और आप लोग समझ जाएंगे कमाल है कब बोलना है, मंच का साथ चाहिए मेरे को। तो देखिएगा कि हरदम उनका बस एक ही सवाल है, बस ऐसे बोलना है नहीं तो यही चलता रहेगा। देखिए हरदम उनका बस एक ही सवाल है, कमाल है, पूछते हैं और बताओ क्या हाल है, कमाल है। और चाहा हमने खोया हमने टूटे भी हम, चाहा हमने खोया हमने टूटे भी हम, फिर भी बिछड़ने का मलाल है, कमाल है, कमाल है। और मेरे माथे पे चूम रहा है कोई और, मेरे माथे पे चूम रहा है कोई और, मेरे जहन में अब भी तेरा ख्याल है, कमाल है। और दोनों कहते थे बिछड़े तो जी नहीं पाएंगे, दोनों कहते थे बिछड़े तो जी नहीं पाएंगे, दोनों के दोनों झूठ की मिसाल है, कमाल है। और कल जले का निशान देखा मैंने रकीब पर, रकीब यानी आपकी एक्स का प्रेजेंट। देखिएगा कल जले का निशान देखा मैंने रकीब पर, यानी कि तेरे लबों में अब भी उबाल है, कमाल है। और लड़के मर भी जाएं तो कोई पूछता नहीं हाल तक हमारा, ये सच्चाई है। लड़के मर भी जाएं तो कोई पूछता नहीं हाल तक हमारा, लड़की छींक दे तो हर हाथ में रुमाल है, कमाल है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी जो इन्होंने पढ़ा, अभी हमारे बीच में संजीदगी पढ़ी गई, आप सभी लोगों ने जिन्होंने नहीं भी देखी है तो लॉकडाउन में रामायण तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। रामायण में राम के चरित्र के बारे में, उनकी जो भी विशेषता है उनके बारे में सब लोग लिखते हैं, राम के क्रोध पे किसी ने नहीं लिखा आस्था दीजिए हमें लंका जाना है, लेकिन समुद्र देव उनकी विनती उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब उनको कोई सामने से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तब वो एक ऐसा क्षण था जब राम भगवान को क्रोध आया, वो दृश्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसने भी देखा है अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखा है वो मान के चले कि उसने देखा है। तो इस दृश्य को ध्यान में रखिएगा और कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। देखिएगा कि राम ने कर ली घोर तपस्या, नहीं सुलझती फिर भी समस्या, राम ने कर ली घोर तपस्या नहीं सुलझती फिर भी समस्या, दशरथ लाल किए अभिनंदन किया आग्रह था में स्पंदन, राम की बढ़ती बड़ी विडंबना सूझ रहा अब उत्तर कोई ना, कब तक बना रहूं मैं याचक देखते वानर होके गोचक, जब सागर ने एक नमानी राम ने फिर प्रत्यंचा तानी, जब सागर ने एक नमानी राम ने फिर प्रत्यंचा तानी, रौद्र रूप बड़ा रक्तचाप होगा जल में अब रक्तपात, और रत्नहीन होगा रत्नाकर, रह जाए पाताल समाकर, रह जाए पाताल समाकर, सागर को भी झुकना होगा लहरों को भी रुकना होगा, रहे साक्षी सारा संसार कैसे हुआ था जल संगार, कैसे हुआ था जल संगार, पुरुषार्थ को थे जानते इसलिए वो राम थे, मर्यादा को थे मानते इसलिए वो राम थे, इसलिए वो राम थे। देखिए कहां लिखा है कि हर बार संभलना चाहिए, मायूसी जहां दिखे वहीं कुचलना चाहिए, और जरा सा पुराना हूं इसलिए पैगाम अर्ज है, दौरे आगाज में सबको कम उछलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।